हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग स्टडी एट होम। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल सिचुएटेड एट गोला बाजार गोरखपुर। दिस इज योर सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर, चैप्टर थर्ड वर्ड अल्फा वे। ओके स्टूडेंट्स, सो माय डियर स्टूडेंट, विदाउट टाइम वेस्टिंग टेक आउट यू हिंदी व्याकरण बुक, ओपन चैप्टर थर्ड अल्फा वेट्स। सो फर्स्ट पार्ट 3 वर्ड अल्फा वेट। पार्ट 3 वर्ड अल्फा वेट। सो वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ड क्या होता है या वर्ड किसे कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ड कहलाती है। मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ड कहलाती है, या हम इसको एक दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ यू रीड। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। कुछ साउंड निकलती हैं जैसे गुलाब। मैंने क्या बोला? गुलाब, कमल आदि। जैसे मैंने बोला गुलाब, गुलाब को हम जब बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि नाक से और मुंह से दोनों, गुलाब कमल, हमारी ध्वनि जो नाक से को टच करके निकल रही है। ओके, गुलाब की ध्वनि ग धन उ धन ल धन आ धन ब धन अ। जैसे मैंने ग ग में मैंने गुला ग उ, इट मीन्स क्या हुआ, गु ल आ, आ की मात्रा को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट राइट किया है आ आ ब ब का प्रोनाउंसिएशन जब मैंने किया तो उसमें अ का उच्चारण आया, धन अ, क्या हुआ गुला, क्या हुआ गुलाब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमल की ध्वनि है क म ल, क का उच्चारण जब हम करते क, इट मीन्स उसमें अ आता, क धन अ, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। बेटा जब हम व्यंजन में उच्चारण करते हैं बिना मात्रा वाले, तो जब हम कोई व्यंजन का वर्ड बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, तो उसमें हमारा अ का सेंस आता, अ का उच्चारण होता, क क मैंने एक बोला तो उसमें अ का उच्चारण आया, क्या हुआ क म ल। यहाँ क्या राइट करेंगे, क म ल। ओके स्टूडेंट्स, क धन म धन ल बराबर क्या होता है, कमल। इज दैट क्लियर? क धन म धन ल बराबर कमल। ओके,
बच्चों ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, जो हमारे मुख से बोली जाती है या जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा का वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। बोलते समय हमारे मुँह से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ओके, वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, दो प्रकार के होते हैं। इन वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। सो स्टूडेंट्स, पहला क्या होता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर एंड व्यंजन। ओके, स्वर, स्वर हिंदी में कितने होते हैं? स्वर हिंदी में 11 होते हैं। स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके, और व्यंजन, स्वर हिंदी में 11 होते हैं, होते हैं 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ ओ अ से ओ तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अ से ओ तक स्वर होते हैं। वर्ण के दूसरे भेद क्या होते हैं? दूसरा प्रकार क्या होता है? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। हिंदी में व्यंजन कुल 33 होते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प थ ब भ म य र ल व श श ख स ह। ये कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्वर जो होता है बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, क को मैंने बोला उसमें अ का प्रोनाउंसिएशन हुआ, क अ का उच्चारण हुआ। ख, ख में भी अ का उच्चारण हुआ। ग, घ, अंग, इट मीन्स जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसके साथ अ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन स्वर में देखिए अ, अ, अ का ही उच्चारण है, इट मीन्स वो बिना वर्ड के ही सहायता से बोले जाते हैं। आ, आ में भी अ नहीं है। ई, ई, वो सिर्फ सिंगल मतलब एक वर्ड में ही बोले जाते हैं। लेकिन जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ जो है स्वर की सहायता से बोले, स्वर का उसमें सहायता लिया जाता है। च, च के साथ मैंने अ का सहायता ले। छ, ज, झ, इय, इन स्वर व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है। ओके, बस।
विशेष अंग और अह। अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। अंग और अह ऐसे वर्ण हैं जो स्वर में भी नहीं आते और न ही व्यंजन में आते। ये क्या है? अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। अंग क्या है? अनुस्वार है और अह विसर्ग है। ओके, छ त्र ज्ञ श्र दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। छ त्र ज्ञ श्र ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे छ छ छ को किससे मिला के बनाया गया है? छ क धन श क्या हुआ? छ ज्ञ को किससे मिला के बनाया गया है? ज धन इय ज्ञ त्र त धन र त्र श्र श धन र श्र। ओके स्टूडेंट्स, ड और ढ को भी व्यंजन माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।